हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश रहो, आबाद रहो। गाइस देखिए, मैंने जो इंग्रेडिएंट ये लिए हैं, इनसे देख के आपको शायद पता लग रहा होगा मैं क्या बनाने वाली हूँ। चलिए, नहीं पता लग रहा तो बता देती हूँ। ये मैंने 1 किलो के करीब लौकी लिया है। इस लौकी को मैं छील कर कद्दूकस कर लूँगी, और कद्दूकस करने के बाद आप इसका थोड़ा सा पानी निचोड़ लीजिएगा। ये देखिए, मैंने कद्दूकस कर ली थी पहले से, और इसको इसमें जो पानी होता है लौकी का, इसको मैंने निचोड़ लिया है और एक बाउल में रख लिया है। तो चलिए, जो मैं आज रेसिपी लेके आई हूँ, मैं करने वाली हूँ इसकी प्रिपरेशन। तो कुछ बादाम मैंने यहाँ पे लिए हैं, जो कट कर लिए हैं। 8-10 पीस मैंने लिया है साबुत बादाम का, ये देख लीजिए। और ये मैंने लिया है कुछ ग्रीन और रेड कलर की टूटी फूटी। चिरौंजी मैंने ली है, ये देख लीजिए, चिरौंजी ली है। पिस्ता के कुछ पीस मैंने कट कर लिए। छोटी इलायची, जिसको हरी इलायची भी बोलते हैं, इसको मैंने पीस लिया है। और ये मेरा कोकोनट पाउडर, ये है मिल्क पाउडर, 1 कटोरी मैं ले रही हूँ चीनी, और ये मैं ले रही हूँ दूध। तो चलिए गाइस, प्रिपरेशन तो मेरी हो रखी है, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो लीजिए गाइस, मैंने ले लिया एक कढ़ाई। अब फ्लेम को मैं कर रही हूँ ऑन। यहीं पे मैं अपनी लौकी ऐड कर रही हूँ, जो मैंने कद्दूकस कर ली है। और यहीं पे मैं ऐड करूँगी देशी घी 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून और मैंने इसमें देशी घी ऐड किया है। तो चलिए, लगातार चलाते हुए इसको हम क्या कर लेंगे, भून लेंगे। हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। 2 से 4 मिनट आप इसको भून लीजिए। लीजिए, 2 से 4 मिनट हो चुके हैं, ये भुन गया है। अब यहीं पे मैं ऐड कर रही हूँ दूध। गाइज, अगर आप 500 ग्राम की एक लौकी ले रहे हैं, तो उसमें 500 ग्राम ही आप दूध को ऐड करिए। दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए, आप इसको अच्छे से पका लीजिए। देखिए, यहीं पे मैं ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। तो चलिए, आप इसको अच्छे से पका लीजिए। देखिए गाइस, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है मेरी इसकी लौकी की पककर। तो अभी और हमें इसको पकाना है। देखिए, इसके छींटे बाहर आने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये पकने लगा है अच्छे से। तो आप थोड़ा सा केयरफुली अपने आप को बचाते हुए इसको, इस डिश को बनाइएगा। चलेगा, ये चेक कर लेते हैं। देखिए, छींटों का तो आना है बंद, और मेरा दूध भी सूखना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी हमें इसको और सुखाना है। आप इसको तब तक पकाइए जब इसमें से जो हमने घी ऐड किया था वो थोड़ा थोड़ा रिलीज ना होने लगे। तो हमें इसको तब तक पकाना है। देखिए, ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। यहीं पे मैं ऐड करूँगी 2 पिंच के करीब, जो मैंने छोटी इलायची का पाउडर लिया था, मैं 2 पिंच ऐड कर रही हूँ इसमें। 1 पिंच गया,
अब ये दूसरा पिंच, ताकि इसमें अच्छे से खुशबू आ जाए। टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। थोड़े से कटा पिस्ता, जो पिस्ते को मैंने काट लिया था वो इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी चिरौंजी, कटा बादाम, नारियल पाउडर, चलिए मेरी डिश तो तैयार हो गई है। अब आती है इसको सर्व करने की बारी, तो मैं इसको आपको दिखाती हूँ सर्व करके। चलिए फ्लेम को कर देते हैं बंद। देखिए आप इसका टेक्सचर, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब इसको कर लेते हैं गार्निश। तो मैं यहाँ थोड़ी चिरौंजी ऐड कर रही हूँ, कुछ साबुत बादाम के पीसीस ऐड किए हैं, चॉप्ड बादाम, नारियल पाउडर, और टूटी फूटी तो लीजिए गाइस। मेरा लौकी का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा लौकी का हलवा अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके पास जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।